नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलासपुर में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसका जो है अंतरिम मेरिट सूची जारी हो चुका है। उसके बाद जो है पुनः दावापत्ति मंगाए गए हैं। दावापत्ति का फॉर्मेट क्या रहेगा इस प्रकार से हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और दावापत्ति का फॉर्मेट भी दिया गया है। साथ ही साथ आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो पहले देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो नोटिफिकेशन जैसे इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्रकार से देख सकते हैं, सेजेस संविदा भर्ती की पात्र अपात्र की सूची एवं अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन किया गया है। बिलासपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम में विभिन्न पदों पर जो भर्ती के लिए पात्र अपात्र सूची जारी की गई। इस प्रकार से देख सकते हैं, सभी के लिए कुल आवेदन कुल पात्र हुए, दावापत्ति के लिए कितने पात्र हुए आवेदन किया और उसमें कितना पात्र हुए, इस प्रकार से टोटल देखिए यहाँ दिया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जिस पदों के लिए भर्ती हुई उन सब के लिए अलग अलग लिस्ट है। अब देखिए आगे क्या है करना है। उपरोक्त अनुसार कुल 20,937 ऑनलाइन आवेदन पात्र पाए गए हैं। पात्र आवेदनों का पदवार एवं विषयवार अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन 8/10/2024 को किया गया है, लेकिन साइट में तो 8 तारीख को मैं देखाऊँ तो मेरे को तो नहीं मिला। जैसे बिलासपुर government.in से अवलोकन किया जा सकता है। प्रकाशित सूची में दावापत्ति की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी दिनांक 15/10/2024 तक कार्यालयीन समय में आवश्यक में मूल दस्तावेज के साथ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पुलाना कंपोजिट बिल्डिंग बिलासपुर के कक्ष क्रमांक 6 में उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 15/10/2024 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री टीकाराम साहू ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि अंतरिम मेरिट सूची में प्राप्त दावापत्ति आवेदन के निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद क्या होगा, बहुत अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा है कि क्या इंटरव्यू होगा। तो आपको बता दूं, आवेदन एवं चयन प्रक्रिया तथा रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिला बिलासपुर हेतु स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनके लिए पृथक पृथक शैक्षणिक घर्षक सब ये सब चीज़ें तो कम्प्लीट हो गया। देखिए, जिले के समस्त विद्यालय हेतु प्रवर्ग और विषयवार एकीकृत मेरिट सूची तैयार कर स्वीकृत कुल पदों का योग करते हुए अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों के जांच एवं सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। देखिए 15 तारीख के बाद जो है 15 तारीख तक दावापत्ति मंगाया गया है। दावापत्ति के पश्चात निराकरण करके पुनः मान के चलिए एक आख हफ्ते में जो है अंतिम मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार की कोई संशोधन नहीं होगा। उसके बाद जितने पोस्ट है, जैसे कि मान लो असिस्टेंट टीचर है, सहायक शिक्षक का, तो जितने भी विद्यालय है उसमें मान लो 15 सहायक शिक्षक के पोस्ट निकला है, तो 15 का 5 गुना मतलब 15×5=75 कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इनमें जो है कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि कहीं मान लो वे ज्वाइन नहीं किए, ठीक है, तो फिर नीचे जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए अलग से जारी करके पुनः फिर उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले जितना पोस्ट रहेगा उसका एक साथ, उसके बाद उसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात जो है आपको काउंसलिंग दिया जाएगा। काउंसलिंग में क्या होगा कि आप जिस विद्यालय में जाना चाहेंगे तो आपको रैंक के अनुसार आपको क्या मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगा, ठीक है। तो रैंक के अनुसार आपको चयन करने के लिए, स्कूल चयन करने के लिए आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। काउंसलिंग होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात। देखिए इस प्रकार से बोला गया है, सत्यापन हेतु एवं सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों का मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। शिक्षक कंप्यूटर के लिए दस्तावेज, सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में कौशल परीक्षा भी सम्मिलित की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की पद स्थापना मेरिट क्रम में काउंसलिंग के द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, अंतिम चयन निम्नांकित तालिका के अनुसार भ्रांश की गणना मेरिट के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो इन सब के पश्चात काउंसलिंग के बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में फिर आपको स्कूल चयन करने का मौका दिया जाएगा। सर ये सभी जो लिस्ट आया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है पीडीएफ अपना डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतने, मिलते फिर से एक नोडो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।